माई नेम इज विक्रम एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल स्टडी वाई फाई जी के की दुनिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं स्टडी वाई फाई जी के की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि बी एस एस सी का कैटरिंग अटेंडेंस ए। जी हाँ, तो कैटरिंग अटेंडेंस ए का क्वेश्चन पेपर, जो कि ये क्वेश्चन पेपर 2012 का है। जी हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था प्रीवियस ईयर का, जब से भी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से इसका आप क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन कीजिए। तो मैं आज के इस वीडियो में 22 दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जिसका मैं आज सॉल्यूशन करने वाला हूँ। और ये एग्ज़ाम जो है वो तिरुवनंतपुरम में हुआ था। जी हाँ, तो तिरुवनंतपुरम में ये एग्ज़ाम हुआ था। जी हाँ दोस्तों, या तिरुवनंतपुरम में एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके जिसकी भी इसको ज़रूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए बात कर लेते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि 2012 में, जी हाँ, तो 2012 में वो 50 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता था। जी हाँ, तो 50 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता था, लेकिन अभी जो है ये क्वेश्चंस की संख्या 80 कर दी गई है। जी हाँ, तो 80 कर दी गई है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जी हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, ये बुकलेट ना सीरीज जो है वो बी सीरीज है। जी हाँ, तो सीरीज बी है। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे तीन लैंग्वेज में जो है वो दिया गया है। तो मैं हिंदी का करते जाता हूँ, बीच बीच में इंग्लिश भी आपको बताता जाऊँगा। और अगर जिनको दिक्कत है तो आप चाहें तो कैप्शन ऑन करके आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे, पहला क्वेश्चन है भारत के, जी हाँ, तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कहाँ से अपनाया गया है। जी हाँ, तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कहाँ से अपनाया गया है, यानी कि फ्रॉम वेयर द स्टेट सिंबल ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड। तो इसका सही आंसर है, जी हाँ, तो इसका सही आंसर है सारनाथ लोयन कैपिटल ऑफ अशोका। जी हाँ, तो सारनाथ लोयन कैपिटल ऑफ अशोका, यानी कि आंसर बी इसका सही है। इसकी अगर हिंदी में देखें तो अशोक की राजधानी सारनाथ का शेर यहाँ यह अपनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है विश्व खाद्य दिवस। जी हाँ, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर। जी हाँ, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड इन 16 अक्टूबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, तो 22 कैरेट सोने का प्रतिशत। जी हाँ, तो 22 कैरेट सोने का प्रतिशत है, यानी कि द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 22 कैरेट। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। जी हाँ, तो आंसर बी यानी कि 91.6%। जी हाँ, तो 91.6% इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, तो अगर देखा जाए तो सोने में जो है 24 कैरेट। जी हाँ, तो 24 कैरेट जो है वो 100% सोना होता है। जी हाँ, 24% जो है 24 कैरेट जो है वह 100% सोना होता है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो आएगा वही आपका निकल जाएगा परसेंटेज। तो चलते हैं आगे की ओर। तुम्हारा अगला जो है क्वेश्चन, वो बोला जा रहा है आवाज़ की इकाई। जी हाँ, तो आवाज़ की इकाई क्या है, यानी कि द यूनिट ऑफ साउंड इज। तो इसका सही आंसर है डेसिबल। जी हाँ, तो साउंड की जो इकाई है, आवाज़ की इकाई है यूनिट ऑफ साउंड, इसका सही आंसर है डेसिबल, यानी कि आंसर बी। जी हाँ, तो आंसर बी यहाँ पे राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है नंबर 5। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। जी हाँ, तो सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, यानी कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है NH7। जी हाँ, तो NH7 इसका सही आंसर होगा, यानी कि आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है तापमान में वृद्धि के अनुसार आवाज़ की गति। जी हाँ, तो आवाज़ की गति क्या होती है,
यानी कि इंग्लिश में आपका बोला जा रहा है विथ राइज इन टेम्परेचर, जी हाँ, तो विथ राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड, जी हाँ, तो द स्पीड ऑफ साउंड इसका सही आंसर है इंक्रीज, यानी कि जो है तापमान की वृद्धि के अनुसार इसकी गति बढ़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ब्लैक होल, जी हाँ, तो ब्लैक होल क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अ ब्लैक होल, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है आंसर ए, जी हाँ, तो यानी कि अंतरिक्ष का एक निर्वात, यानी कि वैक्यूम इन अ स्पेस, जी हाँ, तो वैक्यूम इन अ स्पेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से सूर्य की कौन सी किरण सौर कुकर को तप्त बनाती है, यानी कि सनलाइट रे दैट मेक सोलर कुकर हॉट, तो इसका सही आंसर है आंसर डी, जी हाँ, तो इंफ्रारेड रे, जी हाँ, तो इंफ्रारेड रे यानी कि अपरक्त किरण जो है वो सौर कुकर को गर्म करती है, यानी कि तप्त बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है एक डीजल इंजन में, जी हाँ, तो एक डीजल इंजन में किसके द्वारा प्रज्वलन होता है, यानी कि इन डीजल इंजन इग्निशन ऑफ केज थ्रू, इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर बिहार, यानी कि संपीड़न, जी हाँ, तो संपीड़न के जरिए ये होता है, यानी कि कंप्रेशन, जी हाँ, तो कंप्रेशन के जरिए ज्वलन उत्पन्न होता है, प्रज्वलन उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है नंबर 10 का क्वेश्चन, कहा जा रहा है एक हरे पत्ते को, जी हाँ, तो अगर एक हरे पत्ते को, जी हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक हरे पत्ते को लाल रंग में देखा जाता है तो उसका रंग क्या होगा, यानी कि व्हेन अ ग्रीन लीफ इज सीन इन रेड लाइट इट कलर विल बी, तो इसका सही आंसर है ब्लैक, जी हाँ, तो ब्लैक यहाँ पे सही आंसर है। ये आंसर जो है ये BSSC के बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत भी हो सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है पृथ्वी क्या है, जी हाँ, तो पृथ्वी क्या है, व्हाट इज अ पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है एक सरफेस मिसाइल है, जी हाँ, तो इंडियाज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जी हाँ, तो भारत का सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि जमीन से जमीन पर मार करने वाला एक मिसाइल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, कहा जा रहा है गर्मियों में घड़ियाँ, जी हाँ, तो गर्मियों में घड़ियाँ क्या होती है, यानी कि इन समर द क्लॉक, तो गर्मियों में जो घड़ियाँ होती है वो धीमी पड़ जाती है, जी हाँ, तो धीमी पड़ जाती है, यानी कि बिकम स्लो, क्योंकि गर्मियों में जो है वो धातु की जो क्षमता लंबाई है वो बढ़ जाती है, इनकी जो झूलती हुई ये होती है वो बढ़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, बर्फ क्यों झील की सतह पर तैरता रहता है, जी हाँ, तो बर्फ जो है झील की सतह पर क्यों तैरता रहता है, यानी कि व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर ए, जी हाँ, तो आंसर ए, जमीन पर जो है जमने पर जल सिकुड़ जाता है, यानी कि वाटर कॉन्ट्रास्ट ऑन फ्रीजिंग, जी हाँ, तो फ्रीजिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कुकिंग गैस में, जी हाँ, तो कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है, यानी कि कुकिंग गैस कंटेंट, जी हाँ, तो कुकिंग गैस कंटेंट मोर देन 90%, तो इसका सही आंसर है मीथेन, जी हाँ, तो मीथेन जो है वो 90% से अधिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है LPG सिलेंडर, जी हाँ, तो LPG सिलेंडर भरु ही वस्तु किस रूप में होती है, जी हाँ, तो LPG सिलेंडर में जो है वो किस रूप में भरी जाती है, तो इसका सही आंसर है गैस रूप में, जी हाँ, तो गैस रूप में भरी जाती है, लेकिन संपीड़न के कारण ये द्रव रूप में सिलेंडर में प्रतीत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है, जी हाँ, तो सोडियम वायु कार्बोनेट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि बाई कार्बोनेट जो है वो खाने वाला सोडा होता है, और सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, जी हाँ, तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 22, 28, जी हाँ, तो 22, 28 और 25, 31 और
28, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इज इन सीरीज। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों 22 के बाद, जी हाँ, तो 22 के बाद 28 आया, जी हाँ, तो यहाँ पे 6 की वृद्धि हुई है। उसके बाद 25, यानी कि जो है कितनी घट गई है, तो 3 फिर से घट गई है, फिर से 6 बढ़ाया गया है, उसके बाद फिर से 3 को सबस्ट्रैक्ट किया है, इसी अनुसार 6 फिर से बढ़ाएंगे, तो इसी के अनुसार जो आंसर आएगा वो आएगा 34, जी हाँ, तो 34 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक मैथ का क्वेश्चन है, जी हाँ, तो मैथ का ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2/3, जी हाँ, तो 2/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2, अगर इसका एलसीएम लेते हैं, जी हाँ, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो 6 होगा, और इसी अनुसार इसको एवोल्यूट करते हैं तो 3 × 6 यानी कि 2 × 4 प्लस 1 माइनस 3, जी हाँ, तो माइनस 3, तो 4 और 1 5, जी हाँ, तो 5/ यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस अनुसार से 4 और 1 5 हो जाता है, 4 और 1 5, और 3 घट जाएगा तो 2, तो 2/6, जी हाँ, तो 2/6 हो जाएगा। इसी अनुसार से इसका आंसर जो है वो 1/3 हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा 1/3, जैसा कि आंसर ए में आपको दिख रहा होगा 1/3 इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है 500 रुपये के लिए, जी हाँ, तो 500 रुपये के लिए 15% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो है ये है प्रिंसिपल इंटू, जी हाँ, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100, जी हाँ, तो रेट बाई 100, इसी अनुसार से अगर करते हैं तो 500 × 5 × 2/100, तो इस अनुसार से 100 से 100 आपका कट गया, जी हाँ दोस्तों, 5 5 = 25 और 2 = 25 2 = 50, यानी कि 50 इसका सही आंसर होगा, आंसर बी जो है आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको देखना है क्या बोला जा रहा है। 2 करोड़ 5 लाख 7 हज़ार 93 को कैसे लिखा जा सकता है, तो इस अनुसार से जो है इसका आंसर सही होगा आंसर सी। ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है मैथ पढ़ने वालों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है राहुल अपनी कक्षा में, जी हाँ, तो राहुल अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पर और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इसको बनाना बहुत ही ईजी है। पहले क्या किया जाता है ऐसे प्रश्न में, दोनों को जोड़कर एक घटा दिया जाता है, जी हाँ, तो दोनों को जोड़कर एक घटा दिया जाता है, तो 38 + 9 ये आपका हो जाएगा 9 8 17, यानी कि 47 - 1, यानी कि आ जाएगा इसका सही आंसर 46, तो इसका सही आंसर है आंसर सी 46। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है सुजीत ने अपने 2 पुरानी साइकिलों को प्रत्येक के लिए 300 रुपये दर, जी हाँ, तो 300 रुपये दर से बेच दी, उन्हें 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% का नुकसान हुआ, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जी हाँ, तो कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर 300 का 20% निकाल देते हैं, जी हाँ, तो 300 का अगर हम 20% निकाल देते हैं तो आपका जो है वो आ जाएगा 60, जी हाँ, तो 60, तो 1 पर 60 रुपये का फ़ायदा होगा और 1 पर 60 रुपये का नुकसान होगा, यानी कि 360, जी हाँ, तो 360 प्लस और जो है 1 पर 60 रुपये का नुकसान होगा, यानी कि 240, दोनों कंडीशन में ही आपका आंसर पैसा 600 रुपये ही मिलेगा, इसीलिए ना ही तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है और ना ही तो कोई लाभ हो रहा है, तो इसका आंसर ए, जी हाँ, तो आंसर ए यहाँ पे सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है एक कार्य को एक्स, जी हाँ, तो एक कार्य को एक्स 20 दिन में और वाई 30 दिन में करेगा, जी हाँ, तो करेगा, यदि वह कार्य वे दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो इसे प्रश्न को आसानी से बनाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं 1/20 + 1/30
को ऐड कर देते हैं। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा, एलसीएम जो है वो 60 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 × 3 + 2 यानी कि 5/, जी हाँ, तो 5/60। अगर इसको एवल्यूट करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, जी हाँ, तो 12। तो इसका आंसर सही है 12, यानी कि 12 इसका सही आंसर आएगा, यानी कि 12 दिन लगेंगे करने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। ये आपका एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है जो कि कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, जी हाँ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है जिसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये रूल लागू होगा बोर्ड मास का, तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला करते हैं, तो 2 और 1 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब 3 में से 3, जी हाँ, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जी हाँ, तो 3 में से 3 जब घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं 0 हो गया, यहाँ पे 0, तो फिर बच गया 4, जी हाँ, तो जब 4 को में से 5 में से 4 घटाएंगे तो वहाँ पे 1 बच जाएगा, वो भी प्लस में, और 6 यहाँ पे है तो 6 और 1 = 7 यानी कि 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, तो 25 नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है। जी हाँ, तो 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है, जब इन दोनों में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाएगा। तो ऐसे में बड़ी संख्या कौन सी है, जी हाँ, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे x, जी हाँ, तो x + 7/2x + 7, जी हाँ, तो 2x + 7 = 3/5। अगर हम इसको एवल्यूट करते हैं, जी हाँ, तो इस प्रकार से ये ऊपर वाला ऊपर से नीचे से गुना, नीचे से ऊपर से गुना, तो इसका जो आंसर आ जाएगा अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 28, जी हाँ, तो x = आएगा 14, जी हाँ, तो x = आएगा आपको 14, तो 2x = यानी बड़ी संख्या बोला जा रहा है तो 2x = आ जाएगा 28, इसका आंसर 28 सही होगा, जी हाँ, तो 28 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं। कहा जा रहा है वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों आंसर बी, जी हाँ, तो आंसर बी सही है, तिरुवनंतपुरम में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ट्रू फ्रूट कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रूट। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी कि ऑरेंज जो है वो ट्रू फ्रूट है, यानी कि नारंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में, जी हाँ, तो निम्नलिखित में किसका पौष्टिक मूल्य सर्वाधिक होता है, जी हाँ, तो जिसमें पोषण तत्व सबसे अधिक मिलता है, तो मूंगफली, जी हाँ, तो मूंगफली, यानी कि विच वन हैज हाइजेस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी इसका सही आंसर है ग्राउंडनट, यानी कि मूंगफली में सबसे ज़्यादा पौष्टिक तत्व न्यूट्रिएंट वैल्यू पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके को, जी हाँ, तो सिरके को अम्ल की प्रकृति प्रदान करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एसिड प्रॉपर्टी ऑफ विनीगर, जी हाँ, तो सिरका को विनीगर के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है कार्बोलिक एसिड, जी हाँ, तो कार्बोलिक एसिड, जी हाँ, तो कार्बोलिक इसका एसिड इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम उपग्रह, जी हाँ, तो भारत का जो है वो प्रथम उपग्रह क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है भारत का प्रथम उपग्रह का क्या नाम है, जी हाँ, तो यानी कि विच इज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर है आंसर बी आर्यभट्ट, जी हाँ, तो आर्यभट्ट जो है वो भारत का प्रथम उपग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा 31 नंबर क्वेश्चन है कहा जा रहा है एक मेन्यू कार्ड में क्या होगा, जी हाँ, तो यानी कि मेन्यू कार्ड कॉन्टेंट क्या क्या उसमें होता था। सबसे पहले देख लीजिए, तो
खाद्य पदार्थ का नाम भी होता है, मूल्य भी होता है, और संघटक यानी कि उसमें वह किस किस चीज़ों से बना होता है। जैसे कि स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसमें संघटक भी लिखा होता है कि किन किन चीज़ों से ये बना हुआ होता है। तो इसका सही आंसर है तीनों, यानी कि ऑल ऑफ देज, नेम ऑफ डिशेज, प्राइस एंड संघटक यानी कि इंटरग्रीडियंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कैपेचिनो। जी हाँ, तो कैपेचिनो संबंधित है यानी कि कैपेचिनो इज रिलेटेड भी। तो कैपेचिनो जो है वो एक कॉफ़ी का, जी हाँ, तो कॉफ़ी का एक प्रकार है यानी कि कॉफ़ी के एक विशेष प्रकार है, स्पेशल टाइप ऑफ कॉफ़ी। जैसे कि रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं तो कैपेचिनो नाम की एक कॉफ़ी मिलती है जो कि बहुत ही महंगी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है खाने की मेज पर। जी हाँ, तो खाने की मेज पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, खाने की मेज पर सबसे पहले खाना किसे परोसा जाना चाहिए। जी हाँ, तो किसे परोसा जाना चाहिए। तो खाने की मेज पर जो है, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, खाने की मेज पर, जी तो खाने की मेज पर सबसे पहले खाना किसे परोसा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 33 का ए यानी कि वयोवृद्ध को। जब हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना जो है वयोवृद्ध को यानी कि हम अपने पूर्वजों को यानी कि हम अपने बड़ों को परोसते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है मानव को, जी हाँ, तो मानव को मिली सबसे पुरानी वस्तु, पुरानी मीठी वस्तु कौन सी है यानी कि विच इज़ द ओल्डेस्ट स्वीटनिंग एजेंट नाउ एज नाउ टू मैन। तो इसका सही आंसर है शायद यानी कि हनी जो है इसका सही आंसर है यानी कि 34 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से संचार उपग्रह कौन सा है। जी तो संचार उपग्रह कौन सा है, तो यानी कि विच वन इज द कम्युनिकेबल सैटेलाइट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इनसेट। जी तो इनसेट जो है वो कम्युनिकेबल सैटेलाइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। जी तो 36 नंबर कहा जा रहा है प्रथम महिला यात्री का नाम। जी हाँ, तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है यानी कि द फर्स्ट वुमेन वेंट टू स्पेस इज। तो इसका सही आंसर है आंसर सी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। जी हाँ, तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है पिज्जा मूल रूप से किस देश का है। जी हाँ, तो पिज्जा जो है मूल रूप से किस देश का है यानी कि पिज्जा हैड इट ओरिजिन इन द कंट्री। तो इसका सही आंसर है 37 का आंसर है बिहार यानी कि इटली। इटली का ये मूल रूप से पिज्जा डिश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है चाय। जी हाँ, तो चाय किस देश का राष्ट्रीय पेय है। जी हाँ, तो चाय किस देश का राष्ट्रीय पेय है, तो भारत का। जी हाँ, तो भारत का जो है चाय राष्ट्रीय पेय है जो कि 2012 के अनुसार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग उसका है। जी हाँ, तो कंप्यूटर का दिमाग उसका है यानी कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। तो इसका सही आंसर है सीपीयू। जी हाँ, तो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है भारत के, जी हाँ, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये क्वेश्चन है 2012 का, तो ये 2012 के अनुसार ही आंसर इसका सही होगा जो कि क्वेश्चन नंबर है। जी हाँ, तो जो कि क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर है 40। जी हाँ, तो 40 का आंसर सही है बिहार यानी कि KG बालकृष्णन। उस समय जो है 2012 में जो है वो KG बालकृष्णन जो थे वो उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। जी हाँ, तो भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है समय की मानक इकाई क्या है। जी हाँ, तो समय की मानक इकाई क्या है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज, तो सेकेंड। जी हाँ, तो सेकेंड समय का स्टैंडर्ड यूनिट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है उसे चुनिए जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। जी हाँ, तो यानी कि विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल हार्बर। जी हाँ, तो नेचुरल हार्बर नहीं है यानी कि कलकत्ता। यहाँ पे सही आंसर है कलकत्ता, आंसर सी कोलकाता जो है वो नेचुरल हार्बर नहीं है बल्कि मैनमेड हार्बर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है
44 नंबर क्वेश्चन जो कि कहा जा रहा है, जी तो कहा जा रहा है द हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कहाँ स्थित है, यानी कि द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज सिचुएटेड एट, तो इसका सही आंसर है आंसर बी, यानी कि भोपाल, भोपाल ये भोपाल में ये स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है भारत, जी हाँ तो भारत किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जी हाँ तो किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो इसका सही आंसर है चाय, जी हाँ तो चाय के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हवाई जहाज के, जी हाँ तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, यानी कि विच इज द कलर ऑफ द ब्लैक बॉक्स कीप्ड इन एरोप्लेन, तो इसका सही आंसर है ऑरेंज, यानी कि नारंगी कलर का होता है, डार्क नारंगी कलर का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है भोपाल में, जी तो भोपाल में हुई गैस त्रासदी, जी तो भोपाल में हुई गैस दुर्घटना से विषैले गैस का किस कारण हुई थी, यानी कि द पॉइजनस गैस दैट किल्ड मेनी पीपल इन भोपाल वाज, तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइट, जी तो मिथाइल आइसोसाइनाइट इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जी हाँ तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, यानी कि द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसका सही आंसर दोस्तों थिंक्स बोन, जी हाँ तो यानी कि उर्व अस्थि, जिसको कि पैर की हड्डी कहते हैं, जो कि फीमर है, जी हाँ तो फीमर FIMAR फीमर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जी हाँ तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि द बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, जी हाँ तो जुपिटर इसका सही आंसर है, यानी कि आंसर डी, यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है लेकिन गुरु नहीं होता बृहस्पति होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है भारत का, जी हाँ तो भारत में सबसे जनाकीर्ण शहर कौन सा है, यानी कि द मोस्ट पॉपुलर सिटी इज, जी हाँ तो द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया इज, तो इसका सही आंसर है आंसर बिहार, यानी कि मुंबई, जी हाँ तो 2012 के अनुसार जो है मुंबई इसका सही आंसर होगा, जी हाँ तो मुंबई जो है सबसे घना बसा शहर है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जी हाँ तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल स्टडी वाई फाई GK की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, जी हाँ तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे और सबको इस हमारे वीडियो का फ़ायदा भी होता रहे। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।